आज मैं रिव्यू देने वाली हूँ गार्नियर मेन बेसिकली स्क्रब है फॉर ऑयल कंट्रोल। इससे कोई एक्ने नहीं होती किसी किस्म का, आपको कोई भी फेस पे एक्ने नहीं होती। लेकिन एक बात यही कहूँगी, ये स्क्रब्स हैं, डेली बेसिस के फेस वॉश हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा स्क्रब होता है। इनको यूज़ करने से करने के बाद कोई भी टोनर इस्तेमाल करें, टोनर नहीं है तो रोज़ वाटर का स्प्रे ही कर लें ताकि आपके पोर्स बंद हो सके, क्योंकि जो भी फेस वॉश होता है आपके पोर्स ओपन कर देता है। ये अभी तो मुझे ईसा जी से 1080 का मिला था, लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस तकरीबन 700-800 की मिल जाती है। पहले और भी सस्ता था, अब तो महंगाई बढ़ चुकी है। सेकेंड, इसमें आईसी बेसिकली थोड़ा सा ना, इट्स मोर लाइक यू नो, एक ब्राइटनिंग क्ले का तो मुझे कुछ नहीं आइडिया, लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगी, चेहरा धोने के बाद इससे चमक रहा होता है। और आईसी बेसिकली इट्स मोर लाइक आईसी क्ले कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि इसके अंदर आपके चेहरे पे ना आपको ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। अच्छा, फिर इसके बाद इसी कंसिस्टेंसी की बात थोड़ी सी कर लेना चाहूँगी। ग्रे से कलर का ये निकलता है बिल्कुल ऐसे, मैं थोड़ा सा निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। और मैंने जैसे कहा कि लड़के भी इसको यूज़ करें, इसमें थोड़े थोड़े ना दानेदार सा होता है ये थोड़ा थोड़ा, और लड़कियां भी इसको यूज़ कर सकती हैं वंस अ वीक। अगर आप बिल्कुल भी किसी किस्म का स्क्रब नहीं इस्तेमाल कर रहे तो प्लीज़ इसको एक हफ्ते में यूज़ करें, हफ्ते में एक दफ़ा। और इसको देखें, अगर आपके फेस पर एक्नी वगैरह नहीं हो रही तो और एक्नी क्यों होगी नहीं, अगर आप टोनर बाद में इस्तेमाल करेंगे तो। टोनर इस्तेमाल करना इसके बाद बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं करना आपने कि आपने टोनर ना इस्तेमाल करें और कहें जी कि हम इसके बगैर हमें एक्नी ना हो, वरना फेस वॉश यूज़ करके एक्नी हो जाती है। स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब मैं बहुत ज़्यादा फेस वॉश यूज़ कर रही थी, मेरे टीन एज थे, उसमें आपको प्री एक्नी भी होती है, टीनेज एक्नी भी होती है, तो मेरे साथ भी यही हिसाब था कि मुझे भी एक्नी हो रही थी, तो क्योंकि मैं टोनर यूज़ नहीं कर रही थी। फिर मुझे मेरी मुमानी ने बताया जो पार्लर चलाती थी, उन्होंने कहा कि आपको टोनर यूज़ करना है। अब टोनर कौन सा ले जी, किस पे भरोसा करें, रोज़ वाटर का स्प्रे करके ड्राई होने दें अपना फेस, तो ये बेहतरीन है। इट्स गुड फॉर मैन, अगर आप ये देखो ना चुंटी कहाँ से आ गई, लाइक सीरियसली कोई जमाना है। अच्छा है, चलिए वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ इसको यूज़ करें, बहुत बेहतरीन है, आपके लिए आसानी क्रिएट करेगा। और लड़कियों को जैसे मैंने कहा, फेस पे कुछ अगर यूज़ नहीं करी, हफ्ते में एक दफ़ा इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत आसानी होगी। और बस ये मकसद शेयर करना चाह रही थी ताकि मज़ीद आपको इन्फो मिल सके। रोज़ वाटर किसी का भी ले ले, सही तो नहीं, कभी बहुत अच्छा है, मैं उसका भी यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आपने रोज़ वाटर यूज़ नहीं करना तो एक बर्फ़ की टुकड़ी लेके अपने चेहरे पर फेर ले, उससे क्या होगा कि आपके मसाम बंद हो जाएंगे। तो ये आपने बिल्कुल इसको यूज़ करने के फ़ौरन बात करना है, ऐसा ना हो कि आप 10 घंटे बात कर रहे हो तो पोर्स आपके खुल दें, सारी डर्ट वगैरह उसमें आ जाए। ठीक है, ऑयल कंट्रोल वाकई है ये, वाकई जिन भी लोगों ने इसको यूज़ किया उस उनके चेहरों पर ऑयल कंट्रोल आया है, लेकिन हार्श है थोड़ा। इसलिए लड़कियों को यही कहूँगी कि एक दफ़ा ही हफ्ते में इस्तेमाल कर लीजिए। आदमी रोज़ कर सकते हैं, क्योंकि आदमी ज़्यादा धूल मिट्टी खाकर आते हैं बाहर, और बहुत ज़्यादा यू नो लाइक बाइक पर सफ़र होता है एंड एवरीथिंग, सो दे कैन यूज़ इट। इससे कोई एक्ने नहीं होती, बस टोनर यूज़ करना ना भूले। हमारी फैमिली में एक इंसान है जो कि टोनर के बगैर इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई एक्ने उस तरह नहीं हुई। बट टोनर प्लीज़ यूज़ करें, क्योंकि उनके पोर्स बहुत ज़्यादा क्लॉग हो जाते हैं और जब वो टोनर नहीं लगाते इसको यूज़ करने के बाद, तो टोनर इज़ अ मस्ट, आप उसको ज़रूर यूज़ करें। लड़कियों को यूज़ कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।